हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, इसके अंदर जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके थ्रू आपकी सारी कवर अप हो जाएगी। ओके, फर्स्टली स्टार्ट करते हैं डायलेक्सिया। डायलेक्सिया क्या होती है? डाइस का मतलब अगर बोले तो इसका मतलब होता है डिफिकल्टी, और लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग। यानी जब आपको रीडिंग के अंदर डिफिकल्टी हो, रीडिंग मतलब पढ़ने के अंदर आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो डायलेक्सिया कौन सी है? इज ए लर्निंग डिसऑर्डर, जब आपको लर्निंग में प्रॉब्लम हो। लर्निंग डिसेबिलिटी डेट अफेक्ट रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल है। डायलेक्सिया समटाइम रिफर टू एज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जब आपको सीखने में पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को, वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं डायलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट करते हैं डाइसप्रेक्सिया। डाइसप्रेक्सिया क्या होती है? डाइस का मतलब तो वही डिफिकल्टी होता है, प्रेक्सिया का मतलब टू डू। जब आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपकी जो मसल्स वगैरह है उसकी मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आपकी जैसे कि मान लो हैंड है, हैंड के अंदर आपको जो मूवमेंट करने में, मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो लेग्स वगैरह है उसको मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बोलते हैं डाइसप्रेक्सिया, ठीक है। तो ए डिसऑर्डर डेट इज करेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, जब आपको अपनी जो मसल्स हैं उनके कंट्रोल में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम बोलते हैं डायस्प्रेक्सिया। विच कॉजेज प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मूवमेंट में, कोऑर्डिनेशन में, लैंग्वेज एंड स्पीच कैन अफेक्ट लर्निंग, जिसका किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो डायस्प्रेक्सिया क्या होती है? जब आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, अपनी मसल्स कंट्रोल वगैरह करने में प्रॉब्लम हो, तो उसको बोलते हैं, वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? डायस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट करते हैं डाइसग्राफिया। डाइसग्राफिया क्या होता है? डाइस का मतलब तो वही डिफिकल्टी, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। यानी जब आपको लिखने में प्रॉब्लम हो, पेंसिल को पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? डाइसग्राफिया। स्टूडेंट विद डाइसग्राफिया फाइंड इट हार्ड टू राइट, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस वाली जो डिसेबिलिटी से जो सफर होते हैं, उनको क्या होता है? राइट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उन्हें लिखने में प्रॉब्लम आती है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम और एनीबॉडी एल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन, उन्हें अपनी राइटिंग भी समझ में नहीं आती और दूसरों की भी समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम एनीबॉडी एल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन, मतलब किसी ने क्या लिख रखा है वो भी उनको सीखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डिफिकल्टी टू राइट है। ट्रबल इन होल्डिंग पेंसिल, उनको पेंसिल पकड़ने में भी प्रॉब्लम आती है। स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रबल रीडिंग इज ओन राइटिंग, ठीक है, अपनी जो खुद की राइटिंग है ना उसको भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइसग्राफिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाइसकैल्कुलिया। डायस्कैल्कुलिया कौन सी होती है? जब आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, इनमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलते हैं हम डायस्कैल्कुलिया। डायस का मतलब होता है डिफिकल्टी और कैलकुलिया का मतलब क्या होता है? टू काउंट है, तो टू स्टूडेंट फाइंड इट टू हार्ड टू अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यानी जब स्टूडेंट को किस में प्रॉब्लम आ रही है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। दे फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लाइक प्लेस वैल्यू एंड टू ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें भाई क्या टाइम हो रहा है उसको भी प्रॉब्लम, उसको कैलकुलेट करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायसकैल्कुलिया। नेक्स्ट आता है एपीडी, यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? इट इज एडवर्सली एस्पेक्ट हाउ साउंड दैट ट्रेवल अनइम्पेडेड थ्रू द ईयर इज प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड बाय ब्रेन, जब उनको सुनने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मतलब जो ईयर्स की प्रॉब्लम होती है, तो इट इज एडवर्सली एस्पेक्ट हाउ साउंड दैट ट्रेवल, कैसे साउंड ट्रेवल कर रही है, अनइम्पेडेड थ्रू द ईयर इज प्रोसेस्ड बाय इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन है, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? जिसमें आपको क्या होता है? लिसनिंग में, यानी जब आपको सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। उसके बाद आते हैं अपैसिया, यानी स्पीच। स्पीच क्या होती है? तो अपैसिया इज ए डिसऑर्डर वेयर चिल्ड्रन फाइंड हार्ड टू स्पीक, जब उसको बोलने में प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं अपैसिया,
ठीक है, अपहसिया लर्निंग डिसऑर्डर, यानी जब जो बच्चा है उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है उसको हम बोलते हैं अपहसिया लर्निंग डिसऑर्डर, अपहसिया लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज़ ए लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर भी होती है। ठीक है, तो अपहसिया कौन सी होती है, अपहसिया जिसमें बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये थी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो मतलब काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन है वो पुट अप हो जाते हैं, काफ़ी शिफ्ट में हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो जरूर करना। थैंक यू।